Hey guys, what's up? I'm Nanda Bakshi and welcome back to my channel Nandita B Queen. तो अभी मैं हूँ शिमला पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी ठंड नहीं है क्योंकि यहाँ पे ठंड दिसंबर और जनवरी में होता है और अभी है मार्च, तो यहाँ पे धूप भी निकला हुआ है और ये है मेरी बालकनी से ये व्यू, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। तो यस, तो अभी मैं जा रही हूँ शिमला के कुछ प्लेसेस देखने की जो फेमस है, तो मुझे इतना पता नहीं है कि मैंने नेट में सर्च किया है अभी, तो देखते हैं और मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि शिमला में क्या क्या मुझे अच्छा लगा। तो यस, यहाँ पे मुझको, मैंने सोचा था कि यहाँ पे बहुत ठंड होगा पर यहाँ पे उतना ठंड नहीं है और मुझे अभी लग रहा है कि मुझे स्वेटर भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, मे बी शाम को पड़ सकता है ज़रूरत। तो यस, चलते हैं और देखते हैं। ये है मेरे होटल के बालकनी का व्यू, बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप सच में बहुत सारे कैलोरी बर्न करने वाले हैं क्योंकि यहाँ बहुत सीढ़ी होते हैं और मेरे होटल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सीढ़ी था और होटल के बाहर भी इतना सीढ़ी था, तो सीढ़ी चढ़ चढ़ के तो मैं बिल्कुल थक गई थी। अगर हम व्यू की बात करें तो आपके आसपास बहुत ब्यूटीफुल व्यू रहता है। मेरे होटल के बाहर का व्यू है, ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो जो फर्स्ट जगह हम आए वो है ग्रीन वैली और ये बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है, जैसे इसका नाम है वैसे ही। इसके बाद जो हम सेकंड जगह आए हैं वो है हिप्पोपुरे अम्यूजमेंट पार्क। इस पार्क का एंट्री फ़ी था 100 रुपीज़ पर पर्सन और अगर आप उसके साथ राइड्स भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो 700 पर पर्सन। तो मैं यहाँ पे आई हूँ यहाँ का व्यू देखने और ये पार्क मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है, आप भी देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा राइड भी है और मैंने कोई राइड नहीं लिया है क्योंकि मुझे राइड से डर लगता है इसलिए। और यहाँ का व्यू देखिए, ओ माय गॉड, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। मुझे हील्स बहुत पसंद है और यहाँ पे व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो गाइज, अभी हम हैं हिप्पोपुरे अम्यूजमेंट पार्क में और यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पीछे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारा राइड भी है, जैसे कि यहाँ पे बंजी जंपिंग भी है जो मैं नहीं करूँगी, मुझे बहुत डर लगता है। तो और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या है। मुझे व्यू काफ़ी पसंद आ रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार व्यू। ये पिक्चर्स क्लिक करने के लिए बहुत ही परफेक्ट जगह है। ये पार्क भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और यहाँ पे क्राउड भी अच्छा खासा था। यहाँ पे राइड के साथ आपको छोटे छोटे स्टॉल्स भी दिखेंगे जो वुडन हैंडीक्राफ्ट्स और स्वेटर्स के थे और यहाँ पे एक छोटा सा हाइफल टावर भी था। उसके बाद जहाँ हम घूमने गए थे वो था कुफरी और हमें वहाँ पे ये हॉर्स में बैठकर जाना पड़ता है जो बहुत स्कैरी था। तो ये रिकॉर्ड किया है मेरे भाई ने और ये काफ़ी ज़्यादा डरावना था, आप देख सकते हैं। बीच से घोड़ा जा रहा था और आसपास खाई था। मैं रास्ते पे एकदम नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था और यहाँ पे घोड़े ने हमें आके उतारा था। तो यहाँ पे जो मैंने शॉपकीपर से पूछा था वो बोल रहा था कि यह है भग्गू टॉप और यहाँ एक टेंपल था, तो यहाँ आपको सिर्फ वेज खाने को मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे याक थे, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे थे। आप इसके ऊपर बैठ के फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो, 50 रुपीज़ पर पर्सन। और बड़े बड़े रैबिट्स थे, उसके साथ भी आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो यही था, हैट लगा के बंदूक लेके फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। जब मैं भग्गू टॉप पे और यहाँ पे आने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा डरावना था क्योंकि मैं हॉर्स में ऊपर तक आई हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। मैंने इससे पहले हॉर्स राइड कभी नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो यस, बहुत ज़्यादा डरावना था। और अभी हम जा रहे हैं भग्गू टॉप पे। अब हम जा रहे हैं भग्गू टॉप पे और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा,
अच्छा है, ब्यूटीफुल है. और यहाँ पे बहुत सारे स्वेटर्स आपको मिलेंगे और जो अभी मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कैलकटा में बिल्कुल नहीं है. और यहाँ पे बहुत सारे फास्ट फूड के, मैं चल चल के थक गई हूँ, फास्ट फूड के दुकान भी है. तो मैं आपके भाई के साथ जा रही हूँ अभी. ऊपर काफ़ी काफ़ी ऊपर में शहर ये वगू टॉप है और नीचे में कुफरी है. मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, यहाँ से व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है. यहाँ पे हवा चल रहा है, यहाँ धूप है, दोनों मिक्स्ड वेदर. यहाँ पे आसपास बहुत सारे खाने पीने के स्टॉल्स है और स्वेटर्स के स्टॉल्स है और ऊपर में है भग्गू टेम्पल. सो गाइज, अभी मैं हूँ भग्गू टॉप में और ये है टेम्पल, आप देख सकते हैं. यहाँ का व्यू बहुत ब्यूटीफुल है, उस साइड है पहाड़. और यहाँ पे आपको बहुत सारे स्वेटर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे मोमोज, और यहाँ पे सब आपको वेज ही मिलेगा खाने के लिए. कुछ नॉन वेज नहीं है तो मैं नहीं खा रही हूँ कुछ भी. मुझको डर लग रहा है कि अभी मैं नीचे हॉर्स राइड से वापस कैसे जाऊँगी, तो सोच के भी डर लग रहा है, पर जाना तो पड़ेगा. सो गाइज, अभी मैं हूँ कुर्फी के टॉप में, आई थिंक कुर्फी नीचे है. और ये है भग्गू पॉइंट और मैं बहुत ज़्यादा थक गई और मैं अभी ये पेड़ के नीचे बैठी हूँ. यहाँ पे मुझको बहुत डर लग रहा था जब मैं घोड़े से ऊपर आ रही थी, इतना डरावना था, इतना स्कैरी था. अब मुझे ये डर लग रहा है कि मुझको वापस नीचे जाना पड़ेगा घोड़े से, तो वो भी बहुत ज़्यादा डरावना होने वाला है. मुझे नहीं पता मैं कैसे नीचे जाऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. यहाँ पे एक टेम्पल है भग्गू टेम्पल में भी, तो अभी तक मैं वहाँ पे गई नहीं हूँ और मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ. यहाँ पे धूप है, यहाँ पे ठंड है, दोनों मिक्स्ड है. तो यहाँ पे बैठी हूँ तो यहाँ ठंड लग रहा है, अब धूप में जाऊँगी तो गर्म लगेगा, ऐसे ऐसे काइंड ऑफ वेदर है. तो यस, अब इसके बाद हम लोग शायद जाएंगे मॉल रोड पे या फिर सीधे होटल चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग को अब दिल्ली जाना है इसके बाद. तो यस, शिमला में मुझे आकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. शिमला बहुत अच्छा है. मैं यहाँ पे बर्फ़ गिरता है दिसंबर और जनवरी में, तो मैं उस टाइम पे भी इस प्लेस को ज़रूर विज़िट करूँगी और मुझको उसका भी एक्सपीरियंस चाहिए. समर्स के टाइम में ये यहाँ पे बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं था. कुर्फी में थोड़े मतलब देखने के लिए बर्फ़ थे, तो यहाँ ठंड है, बर्फ़ नहीं है. तो मुझे जब बर्फ़ गिरेंगे तब मैं आऊँगी ज़रूर. तो यस, शिमला मुझे अच्छा लगा, मुझे व्यू बहुत अच्छे लगे पहाड़ के, और मैं वापस ज़रूर आऊँगी यहाँ पे. और यस, मुझको मनाली भी जाना है, अगर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ज़रूर मैं मनाली भी जाऊँगी. तो यहाँ पे मैं जो बैठी हूँ, यहाँ का व्यू ऐसा है कुछ. वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ा बर्फ़ का पैचेस है, ज़्यादा बर्फ़ नहीं दिख रहा है, पर यहाँ का व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल है. पहाड़ दिख रहा है और यहाँ पे बहुत सारे फास्ट फूड के स्टॉल्स हैं और स्वेटर वगैरह के, जो मैं नहीं खरीद रही हूँ स्वेटर्स, क्योंकि इतना बैगेज मैं कैरी नहीं कर पाऊँगी. तो यहाँ पे है टेलीस्कोप पॉइंट. हाँ, ऑल इन ऑल शिमला इज़ अ गुड प्लेस, आप आके ज़रूर विज़िट कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगा. तो अब आ गया था वो टाइम जब मुझे घोड़े पे बैठकर वापस नीचे जाना था और मैं बहुत 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 डरी हुई थी. तो घोड़े पे बैठने का आपको प्राइस लगता है 500 रुपीज़ पर पर्सन और भग्गू टेम्पल में एंटर करने का 10 रुपीज़ पर पर्सन. एट लास्ट मैं घोड़े से सेफली नीचे उतर गई थी और इंस्टाग्राम लाइव में मैंने सबको बोला था मेरे लिए प्रे करने के लिए, तो थैंक यू गाइज. सो गाइज, अभी मैं सेफली घोड़े से नीचे उतर गई और मैं इतना डर रही थी कि मैंने बीच में बोला कि मुझे नीचे उतरना है, पर एट लास्ट मैं नीचे पहुंच गई हूँ. अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत डरावना था, बहुत बहुत बहुत, मैं बहुत डर गई हूँ. अब हम जा रहे हैं मॉल रोड में और मैं वहाँ से इंडियन कॉफ़ी हाउस से कॉफ़ी पीने वाली हूँ, जो काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है. सीताराम एंड सन से मुझे लूची छोला भी खाना था पर अनफॉर्चुनेटली वो ख़त्म हो चुका था. ये है मॉल रोड का टॉप का व्यू और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, काफ़ी सारे गिफ्ट्स खरीदने के
शॉप है, तो आप बहुत कुछ बाई कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, और ये काफ़ी बड़ा है। इंडियन कॉफ़ी कुछ था पता नहीं। और ये है चर्च, और यहाँ काफ़ी क्राउड है। आई थिंक इंडियन कॉफ़ी हाउस था, तो हम वहाँ जा रहे हैं कॉफ़ी पीने के लिए। तो हम बहुत ढूंढते ढूंढते इंडियन कॉफ़ी हाउस खोज रहे हैं, और हमें हम चलते चलते बहुत थक गए, सुबह से घूम रहे हैं और बहुत थक गए, तो अब कॉफ़ी हाउस ढूंढते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। तो यहाँ का जो रास्ता होता है वो नीचे से ऊपर के जैसे पहाड़ के जैसा होता है, तो चलने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है। तो बहुत ढूंढते ढूंढते एट लास्ट मुझे इंडियन कॉफ़ी हाउस मिल गया, और ये काफ़ी ज़्यादा पुराना कॉफ़ी हाउस है, 1957 का, और अंदर से भी ये पुराना ही दिखता है। तो मैंने मेरे लिए ऑर्डर किया था कॉफ़ी एक्सप्रेसो, जो था 57 रुपीज़ का। तो कॉफ़ी का रिव्यू मैं आपको होटल चल के दूँगी, क्योंकि हम लोगों को बहुत लेट हो रहा है और यहाँ से चलने में भी 15-20 मिनट्स लग जाते हैं, तो जल्दी 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 चलना पड़ रहा था। और यहाँ पे घोड़े भी थे और बच्चे बैठ रहे थे, पर मैं कभी नहीं बैठने वाली हूँ। गाइस, मैं आपसे एक मेरा आज का सबसे स्कैरी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जो घोड़े का एक्सपीरियंस था, कुफरी या कुल्फी, आई डोंट नो द प्लेस का नाम, तो ऐसा ही कुछ नाम था। वहाँ घोड़े से जाया जाता है ऊपर भगू टॉप में, तो इट वॉज सो स्कैरी कि मेरे तो दिल निकल के हाथ में आ गई थी। इट वॉज सो स्कैरी, मैं वहाँ पे लिटरली चिल्ला रही थी घोड़े पे बैठ के, और मुझे सब बोल रहे थे मत चिल्लाइए, घोड़ा डर जाएगा। मैं इतना डरी हूँ 20 मिनट्स आने में और 20 मिनट्स जाने में, कि मैं आपको लोगों को क्या बताऊँ। आप अगर आपको डर लगता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप वो घोड़े पे मत बैठिए, क्योंकि बहुत डर लगेगा। मुझे तो बहुत डर लगा और आज के बाद मैं कभी भी नहीं बैठने वाली हूँ। ओ माय गॉड, अभी भी मुझको सोचकर डर लग रहा है। इतना नैरो सा रास्ता था और वहाँ से घोड़ा जा रहा था, इतने दो घोड़े जा रहे थे, एक साथ पांच घोड़े को बांध दिया था, बहुत स्केरी था मेरे लिए। आज मुझे जितना डर लगा है शायद मुझे आज तक कभी इतना डर नहीं लगा है, और ऐसा लग रहा था कि मैं अगर ऊपर में चली गई हूँ टॉप में तो वहीं पे रहूँ, नीचे नहीं आऊँ, क्योंकि वो घोड़ा का एक्सपीरियंस, ओ माय गॉड, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलने वाली हूँ और मैं कभी ज़िंदगी में नहीं जाने वाली हूँ। यस, अभी भी मैं सदमे में हूँ। तो हाँ, ये था मेरा एक्सपीरियंस घोड़े का, बहुत डरावना था, बहुत 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 डरावना था। तो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ होटल पे, और मैं गई थी इंडियन कॉफ़ी हाउस, एंड मैंने बहुत ज़्यादा सुना था इंडियन कॉफ़ी हाउस के बारे में सबला का, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कैसा था, तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप वहाँ पे जाइए और कॉफ़ी पीजिए, क्योंकि इतना डिस्टेंस होता है वहाँ से चलकर जाने के लिए और उसके बाद वहाँ पे जाकर कॉफ़ी पीना। फिर भी मैं गई थी, 20 मिनट्स तो लगते ही होंगे आपको चलने में। उसके बाद मैं जब कॉफ़ी पीने गई तो आई थिंक वो कॉफ़ी बहुत ही नॉर्मल था, जो आप अपने घर पे बना सकते हैं। मेरे घर पे तो वैसे ही कॉफ़ी बनता है, तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। तो इफ़ यू विल आस्क मी पर्सनली, आई विल नॉट सजेस्ट यू। तो यस, मैं आ गई हूँ अपने होटल पे, अब मुझे निकलना है 9 बजे दिल्ली के लिए। तो यस,
दिल्ली में चलते हैं, दिल्ली में बहुत बहुत घूमना है, एक्सप्लोर करना है दिल्ली को। मैंने दिल्ली के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो यस दिल्ली का भी ब्लॉग आएगा। और ये था मेरा शिमला का व्लॉग, आज था मेरे शिमला में लास्ट डे, अब मैं मिलूंगी आपको दिल्ली पे, तो बाय शिमला। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू, लव यू।